बीच में दलदल में आप बोलेंगे हम शेर हैं और एक कदम पीछे हटे और पीछे देखे नहीं गड्ढा है और गड्ढा में फंस गए आप, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है भैया गड्ढा से निकलने के लिए। पीछे शेर पीछे हटता तो थोड़ा सा देख के चला रहे हैं। राज्य में आप गुरु जी के बेटे हैं, ताव दिखाइए पापा को एक बार देखिए, मौज में जैसे गुरु जी ताव देते थे वैसे आप। बहुत बड़े झूठा है और झूठे लोग का एक सुने होंगे आप भी, भेड़िया आया तो एक मजाक कर रहा था एक चरवाहा, तो भेड़िया आया अपने आप में एक बहुत बड़ा नशा है और वो नशा ऐसा है खतियान का नशा, दर्द हर लोग को है। मैं कांग्रेस वाले भाइयों से भी बात करता हूँ, बीजेपी वाले से भी, कब बाप बन जाता है, बस एक नियम है कि 18 साल के बाद शादी देंगे नहीं तो। जोहार नमस्कार, मैं हूँ शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। इस वक्त हम बोकारो में हैं और JBKSS के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन था जहाँ पे तमाम JBKSS के सिपाही यहाँ पे पहुँचे थे और जामताड़ा से हमारे दादा भी पहुँचे हुए थे, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। दादा जोहार, सबसे पहले आपको भी जोहार, आपके दर्शकों को भी जोहार, और जैसे आप झारखंड नवनिर्माण चैनल से हैं वैसे हम लोग भी झारखंड नवनिर्माण करने चाह रहे हैं। आप भी नवनिर्माण अपने माध्यम से कीजिए, हम लोग भी अपने माध्यम से लगे हुए हैं और करते रहेंगे। दादा चाहेंगे कि आप एक अपना परिचय बता दें। मेरा नाम मोहम्मद अजहर है और मैं जामताड़ा जिला से हूँ। मेरा पैतृक गांव जो है वो करमाटांड है जो सारण विधानसभा में आता है, लेकिन मेरा पिछले 20 साल से रहना जो हो रहा है वो जामताड़ा विधानसभा में हो रहा है। दादा जिस तरह से लगातार JBKSS के बैनर तले कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार झारखंड के हक और हुकूक को दिलाने के लिए आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, क्या लग रहा है झारखंड 2024 में बदलाव की बयार की ओर बढ़ पाएगा? युवाओं के कंधे पे ये जिम्मेदारी है और युवा तो अपना वायु और युवा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो हवा बदल देंगे इलेक्शन का हम उम्मीद यही कर सकते हैं। हम इस वर्ष यही चाहते हैं कि हमारा झारखंड में सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे आंसू नहीं रुक रहे, हमारे सरकार हमारी बनी है इस बार 32 के नाम में लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो हम तो चाहेंगे कि ऊपर वाला हमें उतना ताकत दे, हमारे कंधों में इतना जोर दे कि हम अपने लोगों के लिए बदल सकें, कुछ कर सकें और राज्य में खुशहाली आए। बड़ी बड़ी पार्टियां से आप लोग लड़ाई छेड़ चुके हैं, क्या लग रहा है बड़ी बड़ी पार्टियों को आप लोग मात देने में कामयाब होंगे? कोशिश तो हमारी रहेगी क्योंकि बड़ी पार्टियों के पास आज 23 साल में वो मुद्दा नहीं थी जो आज एक छोटी पार्टी ने उनको मजबूर कर दिया, उनको रास्ता दिखाने पे, उनको जनता के बीच में नतमस्तक होने के लिए बड़ी पार्टियों को हम लोगों ने भी मजबूर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो विचारधारा है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है भाई, ये ना हम जाति के पॉलिटिक्स करते हैं, ना हमारा और कोई पैसे की पॉलिटिक्स है, ना 300 करोड़ का या 500 करोड़ रुपया घर में निकलेगा, ना हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, ना हम किसी पर्टिकुलर जाति के लिए ना हम कभी तलवार बांटेंगे, ना हम कुछ वैसा काम करेंगे। हम जब भी करेंगे झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के लिए अधिकार की बात करेंगे। जिस तरह से अभी आपने कहा राज्यसभा सांसद 300 करोड़ पकड़ाने के बाद अभी गिनती जारी है, मशीनें खराब हो जा रही है, 400 करोड़ पार होने की संभावना है, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? बिल्कुल, ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने का रूप है और कांग्रेस पार्टी और ये गठबंधन की सरकार भी, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि झारखंड में पैसा है तो रखने के लिए भी एक प्लानिंग हुई होगी, साथ ही साथ ये इलेक्शन में खपाने के लिए हमारे राज्य के गरीब मजदूर के पैसे को किसी और रूप से उनसे छीन के फिर उन्हीं को दारू के रूप में, मुर्गा के रूप में इलेक्शन के टाइम में यूज़ करने के लिए इसको रखा होगा। सिर्फ ये तो मतलब एक छोटा सा ट्रेलर है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है पूरे झारखंड का। मैं खुद जामताड़ा विधानसभा से मेरा रहना हो रहा है तो जामताड़ा जिला के तीनों विधानसभा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो रणधीर सिंह जी हो, चाहे वो इरफान अंसारी जो हो, चाहे वो हमारे स्पीकर महोदय रविंद्रनाथ महतो हो, सबका इतना कॉन्फिडेंस है, सोर्स के माध्यम से बोलते हैं JBKSS कहाँ टिकेगी, हम तो 2000 रुपया के हिसाब से 3000 रुपया के हिसाब से हम वोट खरीद लेंगे। तो कहीं ना कहीं ED और CBI और जो भी एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अभी से हाई अलर्ट होना चाहिए। सिर्फ हमारे यहाँ ये नहीं है कि साइबर क्राइम है और साइबर क्राइम के ही लड़के, मतलब अकल वाले तो लड़के हैं ये हम कंफर्म जानते हैं, लेकिन उनसे कहीं
कम गुनाह वाले ये लोग भी नहीं है जो हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए उसकी बेस पे उसके आधार पे ये लोग गायता मार रहे हैं, कुल्हाड़ी मार रहे हैं कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि वो जनता को ख़रीदना चाहते हैं। जो जनता इनको आज किन्हीं को 35 साल टाइम दिए हैं, किन्हीं को कृषि मंत्री बनाए थे पिछले टर्म में, आज रणधीर सिंह भी एक बीजेपी में एक अहम ओहदा रखते हैं, साथ में आप स्पीकर महोदय उनको भी आपको जानने के 3 टर्म है उनका, तो कहीं ना कहीं पिछले 3 टर्म में जो माल समेट के रखा है तो उनको खपाने की बात ये लोग करते हैं। अगर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? और आप देखे भी होंगे पिछले ये कांग्रेस की ये 300 करोड़ या 500 करोड़ जो अभी पकड़ाया, उससे पहले भी कांग्रेस की मनसा कुछ इनके विधायक कलकत्ता गए थे वहाँ पर भी पकड़ाए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, बिना आग का धुआं नहीं निकल सकता, तो कुछ ना कुछ तो है। बड़ी बड़ी पार्टियां आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि ये तो बच्चों की पार्टियां हैं, अरे जब चाहेंगे इन लोगों को खरीद लेंगे, क्या है इन लोग क्या कर पाएंगे? बच्चा ही कब बाप बन जाता है, बस एक नियम है कि 18 साल के बाद शादी देंगे, नहीं तो फिर अगर बच्चा ही कभी ना कभी तो वही बाप बनता ही है, तो आज तक जिम्मेदारी नहीं लिए थे बच्चे कहाँ से, सब 18 के पार हैं, सबका उम्र इतना है कि वो एक नागरिक बने, एक वोटर आईडी बने, वो इलेक्शन लड़ने का उनका अधिकार भी है और वो उम्र भी है, तो बच्चे कहाँ रह गए? अच्छे अच्छे के दांत खट्टे कर दिए हम, किसी ने आज तक ये किया है क्या कि विस्थापित के लिए कोई आवाज़ उठाया है? किन्हीं का जितने यहाँ हमारे क्षेत्र पार्टी थे सबकी जमीर बिक चुकी थी और वो कहीं ना कहीं नतमस्तक हो रहे थे केंद्र पार्टी के साथ में, चाहे वो जेएमएम हो कांग्रेस के साथ में हो, चाहे बीजेपी के साथ में आजसू हो, तो बच्चे की पार्टी तो ये कहना एक मजाक होगा, इतना भी मजाक में ना ले ले, क्योंकि हम भी संविधान को बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़े लेकिन इतना तो ज़रूर जानते हैं और इतना तो दम है हमारे लोगों, हम भी जोड़ते हैं, हम भी मेहनत करते हैं और हमें एक कम समय में बहुत अच्छी पहचान मिली है। जिस तरह से लगातार जो चुनाव में आप देखे होंगे तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं फोकस करती है दारू मुर्गा पर, और आप लोग के पास तो इतना सक्षम नहीं है, आप लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि दारू मुर्गा पर आप लोग खर्चा करेंगे, तो फिर उन वोटरों को कैसे लुभाएंगे अपनी ओर आप लोग? JBKSS अपने आप में एक बहुत बड़ा नशा है और वो नशा ऐसा है खतियान का नशा, दर्द हर लोग को है। मैं कांग्रेस वाले भाइयों से भी बात करता हूँ, बीजेपी वाले से भी बात करता हूँ, जेएमएम वाले से भी बात करता हूँ, सबके अंदर में जब खतियानी लोग की बात आती है ना तो ये माटी का दर्द अजीब सा पीड़ा है, वो आँखों में आंसू भी आ जाते हैं जब हम उनसे बात करते हैं, बोल दादा की करबो, बेटवक तो बीएड करा लिया नौकरी है लेकिन बहरिया का हो, तो कहीं ना कहीं छोटे लेवल के, मतलब छोटे लेवल नहीं बोल सकते हैं, नीचे लेवल के कार्यकर्ता को दर्द है इस चीज़ का, हो सकता है बड़े लेवल के कार्यकर्ता अपना सेटिंग वुटिंग इधर करके करा लें। और एक बात आपको जान रहे हैं, ये सुगबुगाहट जो खतिहान की है, हमें बच्चे की पार्टी बोलने वाले उन तमाम पार्टियों को मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आज बच्चे का ही बोली सारी पार्टियां बोल रही है, चाहे जेएमएम हो, जेएमएम 1932 हम खतियान लागू करेंगे, बीजेपी को मैं आज बता रहा हूँ, बाबूलाल मरांडी जी हैं इस पूरा प्रभार, कभी जिस बाबूलाल मरांडी को चाय से मक्खी, जैसे मक्खी गिरता है ना तो उसे उठा के फेंक दी थी, आज ऐसे क्या मजबूरी पड़ गई कि उनको यहां पे फिर लाया गया है, तो बच्चे की पार्टी कहना ये बड़ा बड़ा मतलब हास्यास्पद होगा। और साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता राजेश ठाकुर जी के बारे में बोल रहे हैं कि वो तो बिहार के हैं और हम लोग यहाँ के खतियानी, हमें एक विशेष वेट होना चाहिए, बेमौसम बरसात में धान बर्बाद हुआ, एक स्टेटमेंट तक नहीं आया है। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर हो सकता है कि अगर दिए हैं तो मेरे नज़र में तो अभी तक तो नहीं है, उनको देना चाहिए और तमाम झारखंड के तमाम मंत्रियों को भी स्पेशल इसके लिए, बिन मौसम बरसात में जो अनाज बर्बाद हुआ उसके लिए खड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं बोल रहा हूँ अगर इधर खोपड़ी में कुछ है ही नहीं तो क्या चर्चा करेगा? अगर बाहर के लोग आके शहर में बस रहे हैं, उनको हम मंत्री बना दे रहे हैं, उनको हम विधायक बना दे रहे हैं, तो यहाँ खोपड़ी में रहेगा तब ना चर्चा करेगा। एक और सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे, जिस तरह से झारखंड के महामहिम कह रहे हैं कि BDOC हमारे बात नहीं सुनते हैं, वो लाइव वीडियो में ये पूछ रहे थे बच्चों के साइकिल मिला तो बोलता है नहीं मिला, फिर लोगों से पूछते हैं, क्या लग रहा है ऐसे महामहिम से झारखंड चलेगा? सबसे बड़ी बात है हमारे हेमंत दादा हैं बहुत बड़े झूठा है और झूठे लोग का एक सुने होंगे आप भी, भेड़िया आया तो एक मजाक कर रहा था एक चरवाहा, तो भेड़िया आया और जब उससे मिलने जाता था तो अरे मजाक कर रहे थे, तो एक दिन सही में भेड़िया आ गया और उस चरवाहे को नुकसान कर दिया। तो हेमंत दादा हमारे जो बहुत झूठे हैं, क्योंकि आप इनको देख लिए, ये 32 के नाम में आए, 32 पे एक दिन सदन में चर्चा भी नहीं किए,
5 लाख रोजगार के नाम में आए, लेकिन 5 लाख रोजगार का कहीं चर्चा नहीं किए। साथ में वो युवाओं को कटोरा पकड़ाने के, मतलब आप मुर्गी पाल लीजिए, हम बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मुर्गी पाल लीजिए, तो कहीं ना कहीं झूठा आदमी है। तो बच्चा मन का सच्चा बोल दिया। जब वीडियो सीओ बात नहीं सुन रहा है तो क्या ऐसे लोगों से झारखंड चलेगा? ये तो इतना मजाक वाली बात है ना, तो इनको तो हमको लगता है कपिल शर्मा के शो में ये सब जाना चाहिए। मैंने कपिल शर्मा का शो छोड़ के ये सब चीज़ें देखना चाहिए। अगर एक मुख्यमंत्री का बात अगर वीडियो नहीं सुन रहा, मेरी हंसी नहीं रुक रही है। ये कैसा चाबुक चला रहे हैं? राज्य में आप गुरुजी के बेटे हैं, ताव दिखाइए पापा को एक बार, देखिए मौज में जैसे गुरुजी ताव देते थे वैसे आप भी दीजिए। लेकिन अगर इधर से आवाज़ अगर नहीं आ रहा है, इधर कंटेंट नहीं, इधर कुछ नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है दादा, सोचना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं झारखंड के जो सीएम है वो अयोग्य माने जाएंगे? नियति नहीं है। अगर अयोग्य हैं तो फिर भी चल सकता है ना, अच्छे सलाहकार रखे, उनके भी पार्टी में अच्छे कार्यकर्ता लोग हैं, कार्यकर्ता के साथ बैठे, क्या दुख दर्द है समझे। अगर कहीं बीच में दलदल में आप बोलेंगे हम शेर हैं और एक कदम पीछे हटे और पीछे देखे नहीं गड्ढा है, गड्ढा में फंस गए आप, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है भैया गड्ढा से निकलने के लिए। पीछे शेर पीछे हटता है तो थोड़ा सा देख के हटता है, हमारे दादा लगता है कि हेमंत दा गड्ढा देख के पीछे नहीं हटे और फंस गए ना, वो 32 ला रहे हैं ना 5 लाख नौकरी ला रहे हैं, झारखंड की जनता के लिए नहीं कर रहे हैं। हेमंत दादा मैं तो इतना बोलता हूँ, आप सर्वे करा लीजिए, आपको किस शहर में जो लोग शहरी क्षेत्र के लोग उनको आपको वोट दिए हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ आदिवासी और मूल निवासी के वोट के साथ में ये सत्ता में आए हैं, उससे ज़्यादा कोई वोट इनको नहीं दिया। शहर में इनको 1% वोट नहीं होगा, मैं एकदम गारंटी के साथ बोलता हूँ कि उनके गांव में उनको वोट मिला है। 24 की रणनीति आप बताएंगे, 24 की रणनीति? रणनीति यही होगा कि हम लोग युवा जिम्मा लिए हैं, हम गांव-गांव जाएंगे, हम हमारे आंसू पोंछने के लिए लोग नहीं थे, लेकिन हम उनको जगाएंगे कि तुम्हारी नौकरी, आपकी जो नौकरी, आपके बच्चे के नौकरी हैं, तो आपके बच्चों को नौकरी हो, वो आंसू जो बह रहा वो हम पोंछने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये होगा, हम हेमंत दादा ये भी बोलेंगे कि अब आवास अगर आप लाए हैं तो पंचायत में आपको अगर नौकरी देने में दिक्कत हो रहा है तो आप पंचायत में लगाइए ना, ऐसे शिविर लगाइए, अब वह आवास है तो अब वह नौकरी भी लगाइए, हमारा पंचायत का नौकरी हमारा, कौन बाहरी घुस जाएगा, हम भी देख लेते हैं। आदिवासी मूल निवासी को एक जगह लाइए, महाराष्ट्र में कोई चूँ क्यों नहीं कर पाता है, क्या बिहार का आदमी, उड़ीसा का आदमी, क्या झारखंड का आदमी, या बंगाल का आदमी, या यूपी का आदमी, ये लोग तो महाराष्ट्र में भरे हुए हैं क्योंकि वहाँ यूनाइट है। तो अगर हेमंत हमारे आदिवासी मूल निवासी को एक जगह लाएंगे तो किसी बाहर वाले का दम नहीं है कि उनके खिलाफ उंगली भी उठा दे। और उसके बाद हम लोग हैं, अगर हेमंत दा तक कोई पहुंचने की कोशिश करेंगे पहले उनको हमसे गुजरना पड़ेगा। हमारे साथ जेबीकेएसएस के जामताड़ा के जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य मोहम्मद अजहर जी थे, उनके विचारों को आप तक मैं लाने का प्रयास कर रहा था। दादा आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत। आप भी हमारे बातों को पूरे झारखंड के जनता को आपके माध्यम से सुना, मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। खास करके आपका चैनल का जो नाम है वो मुझे बड़ा पसंद आया, झारखंड और निर्वाण। आप भी अपने तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की तरह आप लगे रहिए, झारखंड का नव निर्माण कीजिए। हमारे कंधे में, हम जैसे लोगों के कंधे में जो जिम्मेदारी है हम भी उस पर लगे हुए हैं, और एक ना एक दिन ऊपर वाला चाहेगा धरती आंदोलन झारखंड का नव निर्माण किया, नव निर्माण होगा भी और उन नए हाथों में होगा जिनको लोग अनाड़ी और बच्चे समझ रहे थे। दादा का विचारों को सुना कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।